Xenia. ये फूल मेरे लिए हैं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए दोस्तों से कहीं बढ़ के हो। समझ नहीं आ रहा कि मैं शायमा के लिए क्या लूं, फूल लेके जाऊं या फिर मेकअप का सामान। बोलो ना, क्या आंखें फाड़ के देख रही हो ज़ीनिया? ज़ीनिया, उफ़ यार, मैं भी किससे मशवरा करने लग गया। अगर किसी लड़की ने मुझे फूल ऐसे ना लाके दिए ना, जैसे भाई शायमा के लिए फूल खरीद रहे हैं, तो कसम से खुदकुशी कर लूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई शायद कुछ परेशान है। वाकई? चलो देखते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ डिसाइड नहीं किया? क्या शायमा आपसे नाराज हो गई है? नहीं, नाराज नहीं हुई, बस बहुत फनी सी बात है। बस मैं तो उसकी बात पे हैरान ही होके रह गया। मैं आयाज से जेलिस नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ उसे ये समझा रहा था कि ज़ीनिया के लिए प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा था कि उसे हर्ट ना करे, क्योंकि मैंने उसे कहा कि ज़ीनिया बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। लेकिन ये आपकी बहन नहीं है। शायमा ने भी बिल्कुल सेम यही कहा जो तुम कह रही हो। यानी शायमा ज़ीनिया से जेलिस हो रही है? ज़ीनिया? हाँ, नहीं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो बेवकूफी कर रही है और हमने फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। और हाँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये स्टफ वेयर कैसा लगेगा फूलों के साथ? बहुत बहुत क्यूट। रियली? हमारी एज के मुताबिक तो है ना? शायमा कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएगी ना? हाँ ज़ीनिया, तुम बताओ। मुझे मिलते तो मैं तो बहुत खुश होती। हाँ मैं भी। अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं ये ले ही लेता। हेलो, मुझे ये पैकेज डिलीवर कराना है। राइट। पिज़्ज़ा, मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, मगर एमरे मोहल्ले में तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत हो।